हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली गवर्नमेंट में, वो भी सपोर्ट कर रही है जेई और नीट के परीक्षा को पोस्टपोन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बताया भी है कि ये एग्जाम सिर्फ जेई और नीट का नहीं है, यहाँ पे नाम लिया गया है बट सारे एग्जाम के लिए कंसिडर किया गया है। हमने देखा भी है अभी पिछले वीडियो में कि वहाँ पे सारे एग्जाम के लिए बोला गया है, ठीक है। तो बार बार ये कमेंट में मत कीजिएगा कि ये किस एग्जाम के लिए, अगर ये एग्जाम कैंसिल होता तो सारे एग्जाम अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट इन द नेम ऑफ द जेई एंड नीट, ठीक है। एक नाम दिया गया है, इसके द्वारा ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना पॉलिटिक्स खेल रही है। हमें क्या करना है, इनका सपोर्ट करके, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो बातें हैं वहां तक पहुंचेगी। और ये टॉपिक आपका सेकेंड नंबर ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे अभी ट्रेंडिंग में चला, कुछ देर में पहले पे भी आ जाएगा। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये चीज गलत है, ठीक है। तो वो लोग भी अपने को मतलब एक बार कुछ सोचेंगे डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। तो इनको बस एक बार दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्यों गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका एग्जाम बहुत दूर दिया गया है, भले ही सेंटर उनका पहला प्रेफरेंस दिया हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि उन बच्चों को लाभ मिल सकेगा, या ऐसे स्टूडेंट जो लोग या ऐसे पेरेंट्स जो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं बच्चों को, तो उनके लिए ये एक तरह से देखा जाए तो सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा गया है कि वी रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकंसिडर एंड फाइंड द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीएम मतलब जो है सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने ही ये ट्वीट करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो हमारा ये टॉपिक है, जो आप सर्च करेंगे ट्विटर पे जाके, तो देखिए ये ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंड नंबर पे मतलब ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी जितना लोग हैं शेयर करेंगे। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है वही लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत है भी। और एक तरह से देखा जाए तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर किसी को भी हो जाता है तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, गवर्नमेंट में बस लड़ाइयाँ होंगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करेंगे और जाके यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पर आ गया, और हो सकता है कुछ टाइम में ये पहले नंबर पर भी आ जाए। तो जितना से जितना लोग ट्वीट या ट्वीट करेंगे वो लोग मतलब फायदा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी जानकारी चाहिए तो अगले वीडियो में हम बता देंगे, या इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं।